अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लैब में यूज़ होने वाली कॉमन सैंपल ट्यूब्स के मुताबिक। सबसे पहले बात करते हैं सीपी ट्यूब के मुताबिक। सीपी ट्यूब पर्पल कलर की होती है और इसमें खास किस्म का एंटीकोगुलेंट EDTA यूज़ किया जाता है। EDTA खास किस्म का एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को जमने नहीं देता। इसमें हम ब्लैक वाले मार्क तक सैंपल ले सकते हैं। ज़्यादा सैंपल लेंगे तो उसमें डाइल्यूशन का डिफरेंस आएगा और क्लॉट भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं जेल ट्यूब की। जेल ट्यूब एक ख़ास किस्म की ट्यूब होती है जो बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसके अंदर एक ख़ास किस्म की जेल होती है जिसका बेसिक मकसद सीरम और रेड सेल्स के दरमियान डिफरेंस करना होता है, ताकि प्रोसीजर के दौरान सैंपल मिक्स ना हो और मशीन गलती से सेल्स तक ना पहुँचे और सेल्स ना उठा लें, जिससे रिजल्ट में वेरिएशन आ सकती है। इसके बाद बात करते हैं पीटी ट्यूब की। पीटी ट्यूब के अंदर सोडियम साइट्रेट होता है और सोडियम साइट्रेट भी एक खास किस्म का एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट नहीं देने होता। ये जो नीचे आपको लिक्विड नज़र आ रहा है ये सोडियम साइट्रेट है। इसके अंदर 1.8 ml तक ब्लड लिया जाता है और इसका बेसिक मकसद जो होता है वो कोगुलेशन के टेस्ट होता है, जैसे PTBT, डायमर्स वगैरह करना। ये कोगुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसके बाद बात करते हैं हेपरिन ट्यूब की। ये लिथियम हेपरिन ट्यूब होती है। लिथियम हेपरिन ट्यूब एक खास किस्म का एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता और ये बायोकेमिस्ट्री के टेस्टों में यूज़ किया जाता है। ये एक मोस्टली डायलिसिस वाले पेशेंट में यूज़ किया जाता है, क्योंकि डायलिसिस वाले पेशेंट का बाजू का सैंपल क्लॉट नहीं हो पा रहा होता और उसमें हम उनके टेस्ट हम इस सैंपल से भी कर सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, CRP और काफ़ी सारे टेस्ट हो सकते हैं। इसके बाद बारी आती है सोडियम फ्लोराइड ट्यूब। सोडियम फ्लोराइड ट्यूब सबका सबसे बेसिक मकसद होता है शुगर के लिए। इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है और ये भी CP की तरह ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। इसके अंदर शुगर स्टेबल रहती है और मोस्टली ये उन पेशेंट्स को यूज़ की जाती है, जिस तरह आपने ट्रांसपोर्टेशन में, जिस तरह आपने कहीं से दूर से सैंपल लाना है तो आप इसके अंदर सैंपल ले आते हैं। ये ब्लड शुगर एक जगह पर रुक जाती है और उससे डिक्रीज नहीं होती। तो ये हैं हमारी कॉमन ट्यूब्स जो नॉर्मली हमारी एक लैब्स में यूज़ की जाती है। थैंक यू।